की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अ वेरी सिंपल DIY ट्यूटोरियल विच इज बेसिकली वेरी हेल्पफुल इन केस आपको अपने घर के लिए कोई DIY प्रोजेक्ट करना है फॉर योर होम डेकोर फॉर योर बेडशीट्स फॉर योर कुशन कवर्स फॉर योर टेबल कवर्स या अपने आउटफिट्स में आप कुछ करना चाहते हैं कोई योक एक स्पेसिफिक टाइप का बनाना चाहते हैं सिर्फ स्लीव के आगे का कफ आप एक स्पेसिफिक पैटर्न उसमें क्रिएट करना चाहते हैं फॉर अ कुर्ता फॉर अ टॉप बेसिकली फैब्रिक से रिलेटेड आपको कोई भी चीज बनानी हो फ्रॉम अ हैंड बैग टू अ क्लच बैग टू कुछ भी DIY मैट्स आपको बनाने हैं टेबल मैट्स आपको बनाने हैं फ्लोर मैट्स आपको बनाने हैं फॉर एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फैब्रिक उस पर आप ये फैब्रिक पेंटिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा प्रो होने की जरूरत नहीं है फैब्रिक पेंटिंग में बेसिकली अगर आपको सिर्फ ब्रश होल्ड करना आता है दैट्स ऑल द स्किल लेवल दैट वी नीड फॉर दिस ट्यूटोरियल तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल आई होप आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी विच वॉज ऑन फैशन फ्रॉम पास्ट बेसिकली उस टाइम के फैशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको राइट नाउ क्या इन ट्रेंड है उसका कम्प्लीट नॉलेज हो जाएगा फ्रॉम ए टू जी एवरी थिंग फ्रॉम द फैब्रिक्स दे यूज टू वेयर टू द स्टाइल्स टू द कलर्स हर एक चीज उस टाइम की हर एक चीज हम दोबारा से पहन रहे हैं तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी इट्स अ वेरी फन इंटरेस्टिंग वीडियो मेक श्योर आप जाके एक बार जरूर देखें विद इन 5 to 7 मिनट्स का आई थिंक वो वीडियो आपको काफी नॉलेज हो जाएगा अबाउट द फैशन एंड ट्रेंड्स जो अभी काफी ज्यादा लोग पहन रहे हैं सो द लिंक टू दैट वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं हेलो एवरीवन मैं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमने इसे कुशन कवर बनाया बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कुशन कवर बनाए हमारे पास कोई ऐसा ड्रेस प्रोजेक्ट था नहीं इसलिए हमने कुछ आउटफिट क्रिएट नहीं किया बट यू कैन एनीवेज यूज दिस टेक्निक अपने कुर्ताज या टॉप्स या स्कार्फ्स को पेंट करने के लिए तो इसके लिए बहुत ज्यादा महंगा सामान आपको नहीं चाहिए बहुत ज्यादा ऐसा सामान नहीं चाहिए जो आपको नहीं मिल सकता वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको फैब्रिक चाहिए होगा प्रेफरेबली आप कॉटन यूज कर सकते हैं वाइट ऑफ व्हाइट कॉटन इस क्रीमिश लाइट कलर्स के ऊपर कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट करना इज वेरी इजी दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कॉटन को हैंडल करना इज वेरी इजी इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो कॉटन पे से ट्राई कीजिएगा सेकंड यू नीड फैब्रिक कलर्स आपको इजीली मिल जाएंगे आपके आसपास जो भी स्टेशनरी शॉप है वहां से आपको ये 6 फैब्रिक कलर्स का एक बॉक्स मिलता है वो भी आप ले सकते हैं कुछ स्टेशनरी जो शॉपकीपर्स होते हैं वो लोग ओपन बॉटल्स भी देते हैं कि एक ही बॉटल या 2 बॉटल्स वो भी आप खरीद सकते हैं वो आपको देखना आपके एरिया में किस तरीके से मिलते हैं बट बेसिकली हमें फैब्रिक कलर्स चाहिए और एक मीडियम का बॉटल चाहिए मीडियम का बॉटल आपको चाहिए होगा कि काफी थिक कंसिस्टेंसी होती है फैब्रिक कलर्स की तो कुछ पतली भी हो जाती है सेकेंडली आपके फैब्रिक कलर को फैब्रिक पर स्टिक करने के लिए भी हेल्प करता है दैट्स इट इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए एक ब्रश चाहिए होगा फ्लैट ब्रश आप खरीद सकते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यस आई फॉरगॉट अबाउट दैट आई डोंट नो हाउ बट यू नीड 1 सेलो टेप फॉर दैट सेलो टेप जो पतले वाली होती है वो आप यूज कर सकते हैं थोड़ी ब्रॉड वाली भी आप यूज कर सकते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आपको किस तरीके का जो डिजाइन है उसे क्रिएट करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि आपका जो कॉटन का फैब्रिक है उसके ऊपर आपको पैटर्न ड्रॉ करना है राइट तो ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है रैंडम आपको डायगोनल लाइन्स ड्रॉ करनी है आपको सिमेट्री वाइज इस पैटर्न को क्रिएट नहीं करना कि सेम साइज के सारे बॉक्सेस क्रिएट हो नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े सिमेट्रिकल आपको सब चीजों को क्रिएट करना है तो आपको रैंडम लाइंस ड्रॉ करनी है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल किसी भी तरीके से जैसे हम ये पैटर्न बना रहे हैं तो रैंडम पैटर्न कुछ जरूरत नहीं है इस किसी भी टाइप के मेजरमेंट का आपको इसके लिए अब ये जो पैटर्न आपने ड्रॉ किया इसके ऊपर आपको सेलो टेप को प्लेस करना है मेक श्योर बहुत सावधानी से आप इस टेप को प्लेस करें बिल्कुल अच्छे से स्टिक होनी चाहिए आपके फैब्रिक के ऊपर अगर वो अच्छे से स्टिक नहीं होगी उसमें बबल रह जाएगा तो आपका कलर उसमें से निकल जाएगा जो कि पैटर्न को खराब कर सकता है
दैट्स इट, आपका फैब्रिक कलर में एक दो ड्रॉप्स आप मिक्स कर सकते हैं आपके मीडियम की. उसके बाद उसे मिक्स करने के बाद यू कैन जस्ट स्टार्ट पेंटिंग योर फैब्रिक. मेक श्योर आपका जो फैब्रिक कलर है बहुत ज्यादा लिक्विड ही ना हो, अदरवाइज वो फैब्रिक में अब्सॉर्ब होने के बाद टेप के नीचे जा सकता है. दैट्स व्हाट वी डू नॉट वांट, थोड़ा सा थिक ही रहे वो. पेंट करने के बाद लेट इट ड्राई, कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप इन टेप्स को रिमूव करेंगे. इस तरीके से आपका पैटर्न आ जाएगा. एंड डू नॉट वरी अगर थोड़ा बहुत पैटर्न कलर बाहर निकल गया, टेप वाले खाली एरिया में आ गया है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हैंडमेड चीजों में यही यूनिकनेस एक रहती है कि वो मशीन में चीजों की तरह यू नो परफेक्टली पैटर्न नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको फ्लॉज दिख जाते हैं. दैट्स टोटली फाइन, टोटली परफेक्ट. एंड यहाँ पे फॉर द फाइनल फिनिशेस हमने यहाँ पे रनिंग स्टिच यूज की है ब्लैक कलर में. आप यहाँ पे पेंट को भी यूज कर सकते हैं या फिर एज इट इज भी छोड़ सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस स्टेप को फॉलो करें, बट वी लाइक इट कि पेंट के साथ थोड़ा थ्रेड वर्क हम करें. दैट्स व्हाई वी डिड दिस रनिंग स्टिच ओवर हियर.